काज क्या है जो आज आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर में त्रिकाल आरती और पूजा होती है, प्रहर पूजा होती है। ये जो आरती है लौकिक आरती है, सभी संगठनें एक साथ आई है, ये शुद्धिकरण किया है, इसके वजह से महाआरती किया है। ये जो परिसर है इसको शुद्धिकरण करने की नौबत इसके पहले भी क्या कभी आई है या ये अपने आप में कई सालों के बाद ये हुआ है? सैकड़ों साल के बाद ये हुआ है, इसके पहले कभी हुआ नहीं है। ये विदर्भ में अभी दो दिन पहले इधर घुसने का प्रयास किए है, मंदिर अशुद्ध किया है, इसके लिए ये महाआरती और शुद्धिकरण किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो जो लोग पूजा में शामिल हुए। दूसरी तरफ यहाँ कपाट है बाबा के, आप भी दर्शन कीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर आपको ठीक सामने गर्भगृह में जो शीशा है उसमें आपको शिवलिंग भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये तमाम जो गंगा जल है उसे छिड़का जा रहा है, गोमूत्र जो है उसे छिड़का जा रहा है, नारियल पानी छिड़का जा रहा है, पुष्प और पत्र जो है वो यहाँ पर लाए गए थे। इसके पहले जो हमने तस्वीरें मुख्य प्रवेश द्वार पे देखा उसी तरीके से शुद्धिकरण जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत ही ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, काफी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे पहले जैसे कि बताया हमें यहाँ के संतों ने कि इससे कई सालों पहले ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि यहाँ पर ये शुद्धिकरण करना पड़े। हमने देखा था कि इसके पहले जब औरंगजेब ने यहाँ पर कोशिश की थी इस मंदिर में घुसने की तभी ये शुद्धिकरण हुआ था, उसके बाद अब सैकड़ों सालों बाद आज ही शुद्धिकरण की जो है यहाँ पे ये प्रक्रिया की जा रही है। और अब हमने ये भी देखा यहाँ पर कि जो महाआरती है आमतौर पर जो प्रशासन की आरती होती है दिन में 3 बार होती है, लेकिन आज एक विशिष्ट आरती शुद्धिकरण की आरती जो है वो यहाँ पर की गई। तमाम जो यहाँ पे भोले के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, वो बाहर एक तो खड़े ही हैं कतार में और दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो लोग हैं वो भी खड़े हैं। एक बार फिर से जो है यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर खड़े। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप जो है कि आज ये जो मौका मिला है इसे शुद्धिकरण करने का कितनी जरूरी थी, ये बात जो शुद्धिकरण करने का जो किया गया यहाँ पर कितना अहम है इस ज्योतिर्लिंग के लिए, इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए? ये कायम जो ऐसा है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे जो लोगों ने ये किया अभी ये एकदम जल छिपा के एकदम अच्छा हो गया। अभी तो अभी क्या क्या किया है आप लोगों ने, किस तरीके से शुद्धिकरण किया है? अभी ये सब इसकी शुद्धिकरण हो गया। अभी जिसने ये अधर्मा का नाश करने की कोशिश की, ये जल छिपाने की, अभी उसका नाश होने वाला है। जी क्या गंगा जल गोमूत्र ये भी छिड़का गया यहाँ पे, आरती भी की गई? अभी ये जो आरती की है, ये अभी आरती की है, ये जल शुद्धिकरण ही हो गया है। क्या 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 छिड़का गया है यहाँ पर अभी? ये इधर सब कुछ जो हुआ वो सब मंत्र लोगों ने, सब यूजर तार वर्ग ने किया है अभी। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब जो यहाँ पर दर्शन लिया जाएगा। ये जो परिसर है यहाँ पर आमतौर पर जो इस तरीके की विधि विधान नहीं होते, लेकिन चूंकि ये जो कोशिश किया गया इसके बाद जो नाराज थे भक्त उन्हीं के बाद ये क्या गया, देखिये ये कबाट खोले गए हैं, हमें इजाजत मिली है यहाँ तक जाने की। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, शिवलिंग जा गए हैं ये, हम शिवलिंग तक लेके जाएंगे, शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं जिन्होंने अब शुद्धिकरण किया, उस शुद्धिकरण के बाद अब ले गए हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज की। गर्भगृह की तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, शुद्धिकरण करने के बाद किस तरह से महाआरती यहाँ पर की गई, भक्तों का सैलाब वहाँ पर आज उमड़ा हुआ है, आक्रोशित ज्यादा है, भक्ति भाव से पहुंचे जरूर है लेकिन उनका ये कहना है कि कैसे यहाँ हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के प्रयास किए गए थे ये बिल्कुल भी मंजूर हमें नहीं है, ऐसा आगे ना हो, जल्द गिरफ्तारियां यहाँ पर की जाए उन तमाम लोगों की जिन्होंने ये प्रयास किए थे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आगे इस तरह से कोई भी दाखिल होने का प्रयास मंदिर परिसर में गर्भगृह के अंदर ना कर पाए, सोच भी ना सके, क्योंकि ये आस्था का सवाल है और आप इस तरह से किसी जगह की पवित्रता को खंडित नहीं कर सकते हैं, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये सारे बयान जो है वहां मौजूद ये भक्त जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया जो है वो वहां पर चल रही थी। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर महाआरती जो है वो हो रही है और कैसे अब भक्त वहां गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। मंदिर में हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बहुत ही मशहूर जगह जहाँ दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचते हैं।
नासिक का ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसके अंदर गर्भगृह की तस्वीरें राकेश लगातार हम तक पहुंचा रही है। देखिए ये तस्वीरें मंदिर के गर्भगृह से सीधे आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो मुख्य पुजारी मौजूद थे, जो पुजारी थे उनसे भी बातचीत राकेश ने की थी, जो ये बता रहे थे कि आखिर कैसे जो तीन आरतियां की जाती है उसके बाद शुद्धिकरण के लिए आज मुख्य रूप से इस आरती को, महाआरती को किया जा रहा है। राकेश तक अगर आवाज हमारी पहुंचेगी वापस हम उनसे संपर्क यहां पर करेंगे, लेकिन इसी बीच में हम आपको ये दिखा रहे हैं गंगा गोदावरी का जो जल था, गौमूत्र था, वहां उससे शुद्धिकरण बाकायदा किया गया, क्योंकि लोगों को ये बात बिल्कुल लागवार गुजरी कि आखिर कैसे हमारी पूजा पद्धति से खिलवाड़ करने के प्रयास जो हैं वो कुछ लोग वहां करने पहुंच जाते हैं। और वो लोग जो जिन पर ये आरोप लगा, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, उनका तो ये कहना था कि हम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस तरह अगर आप दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो कोई भी सवाल खड़े कर देगा, दीवारों को भांग कर पहुंचा जाता है, सिक्योरिटी की बात नहीं मानी जाती है, जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाती है, और उसी के बाद ये पूरा का पूरा मामला जो 13 मई का था वो सामने आता है। अभी देखिए फिलहाल पुलिस की ओर से पूरी की पूरी जांच जो है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से, उप मुख्यमंत्री की ओर से बाकायदा SIT जांच के आदेश कल ही यहां पर दे दिए गए थे, जब ये पूरा का पूरा मामला पूरी तरह से सामने आ गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में महाआरती इस वक्त चल रही है और शुद्धिकरण इससे कुछ देर पहले मंदिर का किया गया था। आज हिंदू संगठन वहां पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंचे और नारेबाजी करते हुए वो इस दौरान नजर आ रहे थे। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी और ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी।